नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बता दें मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि राज्य की अब समस्त आशा कार्यकर्त्रियों और आशा फैसिलिटेटर को 5 महीने तक 2,000 रुपए देने के साथ ही प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान ये किया गया है और ऐसे में कहा गया है कि 5 महीने तक सभी आशा कार्यकर्त्रियों को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि पिछले काफ़ी समय से प्रदेश में कई जगहों पर आशा कार्यकर्ताओं का जो है प्रदर्शन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है। ऐसे में अब ये फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, ये ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है कि सभी आशा कार्यकर्तियों को अब हर महीने यानी कि 5 महीने तक, आने वाले 5 महीने तक 2,000 रुपये और साथ ही आशा फैसिलिटेटर को 5 महीने तक 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐलान किया गया है कि सभी आशा कार्यकर्तियों को अब 2,000 रुपए 5 महीने तक दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, इस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की आशा कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपए मानदेय के तौर पर सरकार देगी, तो उसके जियो सरकार द्वारा जारी कर दिया गया। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जियो जारी होने के बाद से ये जो अब आशा कार्यकर्ती हैं उनको प्रति माह 2,000 रुपए मानदेय के रूप में सरकार देगी। हालांकि जिस तरीके से कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया और ये कहा जा सकता है कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह वो काम करती हुई नजर आए, और इसके बाद से ही ये एक नाराजगी उनकी सरकार से जरूर चल रही थी और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनके लिए घोषणा की थी विधानसभा सत्र के दौरान, जिसको अब मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया और इसका जो जियो है वो शासन स्तर पर जारी कर दिया गया है, यानी कि अब प्रति माह आशा कार्यकर्ताओं को। तो सुभाष, यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो फैसला लिया गया है, ये ऐलान किया गया है, तो इससे क्या मान लिया जाए कि अब जो काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रही थी आशा कार्यकर्ती, अब उनका प्रदर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, आशा कार्यकर्ती का जो प्रदर्शन था वो पहले ही खत्म हो गया था जैसे ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, और उसके बाद से उनको भरोसा सरकार की ओर से दिलाया गया था कि तमाम जो उनकी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनको सरकार पूरा करेगी और जो भी जरूरत सरकार की ओर से की जा सकती है वो आशा कार्यकर्ताओं के लिए की जाएगी। हालांकि अब जिस तरीके से जियो जारी हो गया तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी वो जरूर मुख्यमंत्री ने पूरी की, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो आशा कार्यकर्ती है उनके चेहरे खिलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुभाष, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जो फैसला लिया गया है, जाहिर तौर पर आशा कार्यकर्तियों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा हो, खुश वो नजर आ रही होंगी। जी बिल्कुल, उत्साह जरूर नजर आता है जब किसी व्यक्ति को सरकार के जरिए जो बात कही जाती है पूरे होने पर, क्योंकि घोषणाएं जरूर मुख्यमंत्री करते हैं, सरकार के मंत्री करते हैं, लेकिन वो पूरी होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी घोषणा आशा कार्यकर्ताओं को लेकर की थी और वो एक सप्ताह के अंदर पूरी होगी, तो कहीं ना कहीं उत्साह जरूर आशा कार्यकर्ताओं में भी है और वो उम्मीद करती हैं सरकार से कि जो उनकी अन्य मांगे हैं उनको भी सरकार जल्द पूरा करेगी। जी जी, चलिए सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, ऐलान किया गया है कि सभी आशा कार्यकर्तियों को 5 महीने तक 2,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें बीते कुछ दिन पहले प्रदेश के कई जगहों पर आशा कार्यकर्तियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी दिया था। हालांकि धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान जब कर दिया गया है तो आशा कार्यकर्तियों में भी एक संतुष्टि और एक उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब सरकार ने उनकी बात सुनी है, उनके लिए ऐलान किया है, तो उन्हें उम्मीद है कि आने वाले और समय में सरकार उनकी बाकी मांगों को भी पूरा करेगी। तो बता दें आपको कि आशा कार्यकर्तियों को अब
हर 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ही बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें उत्तराखंड के विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री ने कई ऐलान किए थे। ऐसे में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जब से आशा कार्यकर्ती अपने धरना प्रदर्शन पर बैठी थी, हालांकि वो धरना प्रदर्शन खत्म जरूर हो गया है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है तो कहीं ना कहीं खुशी जरूर देखी जा रही है आशा कार्यकर्तियों में, और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद भी उनकी तरफ से ये जग गई है कि अब वो जो है उनकी 12 सूत्रीय जो मांगे हैं और बची भी मांगे जो हैं उस पर सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी और बाकी मांगों को लेकर भी कोई ऐलान करेगी। दरअसल बीते कोविड काल की बात कर ली जाए तो कोरोना काल में जिस तरह से आशा कार्यकर्तियों ने अपने सहयोग दिया, अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाई और काम किया, उसी को लेकर उनकी मांग थी कि उनकी जो मिलने वाली राशि है और ऐसे में उसको और बढ़ा दिया जाए और साथ के साथ उन्हें भी उतना ही सम्मान दिया जाए जितना सम्मान सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाता है। तो ये ऐसी तमाम मांगे थी जिनको लेकर आशा कार्यकर्ती जो हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से धरने पर बैठी थी और अब उसी को देखते हुए उनका धरना खत्म जरूर हो गया है, लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अब हर 5 महीने तक सभी आशा कार्यकर्तियों को 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5 महीने तक दिए जाएंगे। कासगंज में मारपीट के मामले में बीजेपी के सदर विधायक को 1 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 11 साल पुराने मामले में बीजेपी के सदर विधायक देवेंद्र राजपूत दोषी पाए गए हैं। दरअसल 10 जनवरी 2010 को नदरई क्षेत्र में विधायक ने अपने साथी के साथ मिलकर मारपीट की थी, जिसके बाद अपर जिला जज गगन कुमार भारती के कोर्ट ने सुनवाई सजा सुनाई है और साथ ही कोर्ट ने सदाचार भी की है कि 1 साल की परिवीक्षा पर विधायक को रिहा किया है। इसी के साथ बता दें 1 लाख की निजी मुचकला दाखिल करने पर भी रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। तो कासगंज का यह पूरा मामला है जहां पर मारपीट के 11 साल पुराने मामले में अब बीजेपी के विधायक को सजा सुना दी गई है और ऐसे में सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला बता दें 11 साल पुराना था, ऐसे में अब बीजेपी विधायक जो हैं वो दोषी पाए गए हैं, जिसको देखते हुए इस पूरे मामले में अब विधायक की तरफ से सजा विधायक को सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से ये सजा। तो बता दें कासगंज का यह पूरा मामला है जहां पर 11 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने बीजेपी विधायक को सजा सुना दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मारपीट का ये पूरा मामला था और साल 2010 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई गई है और ऐसे में 1 साल की सजा सुनाई गई है। मारपीट का ये पूरा मामला था जहाँ पर बीजेपी के सदर विधायक को 1 साल की सजा सुनाई गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ कासगंज से हमारे संवाददाता अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, अब बीजेपी विधायक को सजा सुना दी गई है, 11 साल पुराना पूरा मामला था और क्या कुछ अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं कि जनपद कासगंज के सदर विधायक से जो है सदर सीट से जो है विधायक है, आपको बता दें 11 साल पुराने मामले में इन्होंने जो एक नदरई में एक जगह मारपीट की थी, जिसके बाद जो है इनके खिलाफ एक चोखेलाल नाम के युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और इसकी सुनवाई चल रही थी। 11 साल पुराना ये मामला था और वहीं आज जो है इन्हें MP MLA कोर्ट, जिसके जो जज गगन कुमार भारती थे, उन्होंने इन्हें सजा सुनाई है और आपको बता दें 1 लाख के मुचलके पर इन्हें जो है रिहा करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल अनुज, कहीं ना कहीं देखिए मामला 11 साल पुराना था, सजा 11 साल बाद अब सुनाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि सजा तब क्यों नहीं सुनाई गई थी, क्योंकि देखिए मामले अक्सर हम ऐसे देखते हैं, चाहे वो रेप के मामले हो या लूटपाट से जुड़ा मामला हो या फिर मारपीट का मामला क्यों ना हो, क्यों इतना वक्त लग जाता है सजा सुनाने में, क्यों इतना वक्त लग गया, दोषी वो पाए गए हैं अब, क्यों 11 साल का ये वक्त लग गया?
जी मैं आपको बता दूं, ये एक पूरी प्रणाली होती है, चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद साक्षी पेश करने होते हैं, इसमें इतना वक्त तो लग ही जाता है, अक्सर के मामलों में 10 से 11 साल निपटने में लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सदर विधायक है देवेंद्र राजपूत, ये जो है अक्सर विवादों में रहते हैं, इन्होंने पूर्व में एक विभाग के जेई के साथ भी मारपीट की थी, और अब फिर ये जो है इस खबर के बाद से ये फिर चर्चाओं में आ गए हैं। जब ये सजा सुनाई गई तो फिर से चर्चाओं में, अक्सर इनका बेटा भी जो है अक्सर चर्चाओं में रहता है, क्योंकि काफी दबंग विधायक है देवेंद्र सिंह राजपूत जी। यानी कि अनुज, इससे पहले कोई पहला मामला नहीं था जो इन्होंने किया हो, इस तरह का मारपीट की हो, इससे पहले भी वो कहीं ना कहीं मामलों में घिरते हुए नजर आए हैं, और इससे पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने एक बिजली विभाग के जेई के साथ मारपीट की थी, उस समय ये काफी सुर्खियों में रहे थे, और हालांकि उस समय इनके ऊपर कार्रवाई। अनुज मैं ये जानना चाहूंगी, जो आप बता रहे हैं कि जेई के साथ पहले भी ये मारपीट कर चुके हैं, और उसके बाद भी एक और ये मामला मारपीट का सामने आया, जब इस तरह से ये पहले भी विवादों में रह चुके हैं, इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, फिर इतना वक्त क्यों लग गया कि 11 साल बाद अब सजा सुनाई जा रही है? जी बिल्कुल, न्यायालय की पूरी प्रणाली थी, उसके बाद पूरा सिस्टम तो चला कि उस नंबर बाई नंबर इनके प्रति जो है साक्ष्य पेश किए गए, और उसमें जो है ये दोषी पाए गए, और इन्हें सजा सुना दी गई। कहीं ना कहीं एक न्याय प्रणाली जो अपनी है वो भी एक धीरे सिस्टम से चल रही है, क्योंकि सजा सुनाने में इतना वक्त लग जाता है, जो अपराधी होते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं और वो निडर होते हैं। तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा, जो हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली है, हालांकि न्याय प्रणाली पर मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो न्याय प्रणाली है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि 11 साल तक तो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, और उसके बाद भी जो अब उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है। तो ऐसे एक मामला नहीं है, कई मामले इससे पूर्व में भी आए हैं। जी बिल्कुल अनुज, और कहीं ना कहीं देखिए ये भी देखा जाए कि 11 साल लग गए इस पूरे मामले में दोषी पाए जाने के लिए, सजा सुनाने के लिए, लेकिन अब सजा भी सुनाई गई तो वो भी एक साल की सजा सुनाई गई है। जी हाँ जी, मैं आपको बता दूं, एक वर्ष की इन्हें सजा सुनाई गई है, और उसके बाद 1,00,000 के मुचलका दाखिल करने के बाद इन्हें रिहा करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें, ये वहां से कोर्ट से घर के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि इन्हें 1,00,000 के निजी मुचलके पर जो है अदालत ने जो है रिहा कर दिया है, और ये और इनके एक अन्य साथी पर जो है पूरा मामला ये दर्ज हुआ था, दो लोग जो है दोषी थे, तो 1,00,000 रुपए जो है जमा करने के आदेश दोनों को दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, और 15,000 रुपए जो है तो पीड़ित पक्ष उसको देने के भी लिए माननीय न्यायालय ने कहा है। जी चलिए अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कासगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर मारपीट के मामले में अब बीजेपी विधायक को 1 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें 11 साल ये पुराना मामला था, जिसमें अब 11 साल बाद बीजेपी विधायक को दोषी पाया गया है, और 1 साल की उन्हें सजा भी सुना दी गई है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज से प्राइमरी स्कूलों को भी खोल दिया गया है। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ बैग लेकर स्कूल पहुंचे, और इस दौरान स्कूल में प्रवेश से पहले सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, और उसके बाद बच्चों के हाथों को सैनिटाइज भी कराया गया, जिसके बाद ही बच्चों को स्कूल में अंदर आने की दिया गया। आपको बता दें कि स्कूल खोलने के साथ साथ ही सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का सभी स्कूल को निर्देश भी दिया है। ऐसे में इसी के साथ ही स्कूल में कोविड कमेटी बनाई गई है, जो कोविड के सभी नियमों का पालन भी कराएगी और उसका ध्यान भी रखेगी। इसके साथ ही बता दें, क्लासरूम में भी उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को बैठाया जा रहा है। तो ऐसे में आज यूपी में जो है प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है, और ऐसे में सभी को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूल में एंट्री दी गई, और साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कराया गया। हालांकि आज सुबह से ही लगातार यूपी के कई जिलों में बारिश भी हो रही है, बारिश के बीच में ही बच्चे स्कूल पहुंचे। ऐसे में बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि लंबा काफी समय था जिसके बाद आज बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। ऐसे में देखिए चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाराबंकी, गोरखपुर, हमीरपुर, नोएडा की, जहां पर बच्चे जो हैं स्कूल पहुंचे। तो देखिए बाराबंकी में किस तरह से फूलों के साथ बच्चों का स्वागत किया गया, क्योंकि काफी लंबा समय जो हो गया है स्कूलों में बच्चों को गए हुए, उसके बाद आज जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो देखिए टीका लगाकर और फूलों के साथ उन पर फूलों से वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। वहीं गोरखपुर में भी स्कूलों में बच्चे दिखे, और ऐसे में बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। और जबकि हमीरपुर की बात कर ली जाए, तो हमीरपुर में भी देखिए तस्वीरें कितनी अच्छी नजर आ रही हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बैठे हुए। वहीं नोएडा की बात की जाए, तो नोएडा में भी स्कूलों में स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी खासी नजर आ रही थी, यानी कि स्कूल खुलने का एक्साइटमेंट बच्चों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि
काफी लंबा समय हो गया है, ऐसे में बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन ही क्लासेस ले रहे थे, मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस तो जरूर ले रहे थे लेकिन अपने स्कूल को और टीचरों की डांट को और टीचरों को भी काफी मिस जरूर कर रहे थे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो स्कूलों में एक्टिविटीज होती हैं वो बच्चे घर पर नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए अब एक बार जब स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों पर जो है बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। हमारे लिए बहुत आज का दिन अच्छा है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हमारे क्लास 1-2 और 10th तक के सारे बच्चे आ गए हमारे यहाँ, और इसके लिए हमने कोविड कमेटी बनाई है, और कोविड कमेटी ने सारा आयोजन किया हुआ है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना है, किस तरह से सैनिटाइज करना है, बच्चे आते हैं तो उनका टेम्परेचर जो है मेजर होता है, तो हमने इंश्योर किया है कि बच्चों को फीवर है तो ना आए घर जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग और भी जितनी भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया है। हमने मैं कोरोना हेड भी उस समय मैं सारे कोरोना की इंचार्ज हूँ और मुझे ये देखना है कि बच्चों को किस तरह से हम इस संक्रमण से बचा करके रखें, इसलिए हमने हर तरफ अच्छे से सैनिटाइजर लगा रखा है, दरवाजे पे सैनिटाइजर है, वॉशरूम्स में, स्टाफ रूम में, क्लासेस में सैनिटाइजर लगा रखे हैं, पहले हम बच्चों को सैनिटाइज करते हैं फिर हम उनकी सोशल डिस्टेंस पे अंदर आने देते हैं, और साथ में हम बिना मास्क के किसी भी बच्चे को अंदर प्रवेश नहीं देते, हमने पहले ही बता रखा है कि कोई भी बच्चा बिना मास्क के नहीं आएगा, और उन्हें हम थोड़ी थोड़ी दूर पर डिस्टेंस पर बिठा रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मी झा है, मैं क्लास 6 से पढ़ती हूँ, और मुझे स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है, और स्कूल आने से ना हमारे डाउट सब क्लियर हो जाते हैं, पढ़ाई करने में मजा आता है सबके साथ। तो आप जैसे स्कूल में एंट्री हुई तो क्या व्यवस्था है कोरोना संक्रमण को लेकर, आपके सैनिटाइज हुए हाथ बात? हाँ, सैनिटाइजर हाथ का हुआ, हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेक हुआ, मास्क लेके आना है, सैनिटाइजर वगैरह लेके आना। चलिए, नोएडा से हमारे संवाददाता भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, आज लंबे समय के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया गया है, कितने उत्साहित बच्चे नजर आए, क्या कितने खुश थे और कैसा नजारा स्कूलों में था? भूपेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद भूपेश से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज प्राइमरी स्कूलों को फिर से यूपी में खोल दिया गया है, ऐसे में बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चे जो हैं उन्हें सैनिटाइज कराया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, और ऐसे में लगातार आपको बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी गई, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। कानपुर में बीजेपी एमएलए अभिजीत सांगा की पंचायत का आयोजन किया गया, बता दें जिसमें पंचायत में मौजूद दरोगा डरे सहमे दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, सत्ताधारी विधायक सिखाएंगे वर्दीधारी को कानून का पाठ, और विधायक बताएंगे कि किस पर कार्रवाई हो और किस पर नहीं। बता दें कि बीते 23 तारीख को हुई गौकशी की घटना पर कार्रवाई न होना बनी पंचायत की वजह, और ऐसे में कानपुर आउटर के विदनू पटरी लालपुर सिरोही में विधायक की पंचायत हुई थी, जिसका वीडियो विधायक अभिजीत सांगा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से विधायक ने पंचायत की, और ऐसे में दरोगा भी इस पंचायत में मौजूद रहे थे और दरोगा को विधायक की कानून का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि किस मामले में किस तरह से क्या कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ ही अभिजीत सांगा की तरफ से ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया गया, आप भी देख सकते हैं। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा हर्रा में अनियंत्रित ट्रक ने हाजी फरमान नाम के शख्स को उस वक्त जोरदार टक्कर मार दी जब वो फजर की नमाज पढ़कर आ रहे थे।
मौके पर उनकी मौत हो गई। बता दें जिसके बाद से घर में कोहराम मच गया है। साथ ही आपको बता दें कि हाजी फरमान सुबह फजर की नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे और इसी बीच पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उनको पहले तो टक्कर मारी, फिर ट्रक नाले में घुस गया। इसके घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया, जबकि टक्कर लगने से हाजी फरमान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, उधर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बहरहाल बता दें जिस ट्रक को छोड़कर आरोपी चालक फरार हुआ है, उसी ट्रक के माध्यम से पुलिस आरोपी को ट्रेस करने की अब कोशिश में लगी हुई है। अब खबर हापुड़ से है, जहां जन्माष्टमी पर सांप पकड़कर करतब दिखाना युवक को काफी महंगा पड़ गया। जी हां, ये पूरा मामला थाना देहात क्षेत्र के असोड़ा मंदिर के पास का है, जहां पर जहरीले सांप के जसने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम देवेंद्र बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सांप के साथ करतब करने का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो ये हापुड़ का पूरा मामला है, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर किस तरह से ये युवक सांप के साथ लोगों को करतब दिखा रहा था, लेकिन उसी को ये करतब अपना दिखाना महंगा पड़ गया और जहरीले सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो हापुड़ का ये पूरा मामला है, असोड़ा मंदिर के पास जन्माष्टमी के त्योहार पर ये युवक जो है जहरीले सांप को पकड़कर करतब दिखा रहा था, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि ये उसका करतब उसी पर महंगा पड़ जाएगा और जब जहरीले सांप ने इस युवक को डसा तो उसकी मौत हो गई। हालांकि इसका वीडियो भी बनाया गया जो काफी वायरल हो रहा है। जालौन में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि 11,000 की लाइन में चपेट में आए एक लाइटमैन की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक की 11,000 की लाइन जोड़ने गया था युवक, और बताया ये जा रहा है कि युवक ने बिजली जोड़ने के लिए शट डाउन दे रखा था और जैसे ही कर्मचारी ने शट डाउन खोला, जिसके बाद करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इस पूरे हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने कुकर गांव चौराहे पर भीषण जाम लगाकर अपना विरोध जताया है। तो जालौन का ये पूरा मामला है, जहां पर ये बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसे में करंट की चपेट में आने से लाइटमैन की मौत हो गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि लाइट शट की भी थी और उसके दौरान वो बिजली ठीक करने के लिए पहुंचा था, लेकिन किसी ने लाइट को चालू कर दिया था, जिसके बाद ये लाइटमैन जो है करंट की चपेट में आ गया। हालांकि लाइटमैन की मौत से नाराज गुस्साए ग्रामीणों ने जाम भी लगा दिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जाम लगने के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद है और ऐसे में समझा बुझा कर लोगों से जाम भी खुलवाया गया। तो जालौन का ये पूरा मामला है, जहां पर ये बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है और करंट लगने से लाइटमैन की मौत हो गई है। बता दें 11,000 की लाइन थी जिससे लाइटमैन को करंट लगा है और उससे उसकी जान भी चली गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लोगों ने सड़क भी जाम कर दिया। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और समझा बुझा कर जाम को खुलवा दिया। वहीं लाइटमैन की मौत के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जालौन का ये पूरा मामला है, जहां पर ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक परिवार को उठाना पड़ा, एक लाइटमैन को उठाना पड़ा और अपनी जान से हाथ धोना इस लाइटमैन को पड़ गया। लापरवाही पूरी बिजली विभाग की थी, लेकिन खामियाजा पूरा का पूरा किसी और ने भुगता। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जालौन से हमारे संवाददाता मोहम्मद जैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, ये बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, करंट लगने से एक लाइटमैन की मौत हो गई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे में पहले तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों बिजली विभाग कोई सबक नहीं लेता? बता दूं, ये बहुत बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की तरफ से। जब लाइट का शटडाउन ले लिया गया था तो उनको
किसी भी प्रकार से इसका मतलब ऑफ ऑन नहीं करना चाहिए था मैम, और विभाग को इन चीजों पे बड़ी विशेषताएं रखनी चाहिए, पर फिर भी अगर उसको ऑन कर दिया गया तो इससे शॉर्ट सर्किट तो हुआ ही, आसपास में दो तीन लोग थे वो भी बचे हुए मैम। एक बिल्कुल मोहम्मद जैद, और क्या ये कुछ जानकारी मिल पा रही है कि किसने लाइट को चालू किया था और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मैम प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए, कोई तरीके की इस पर आला अधिकारी इस पर जानकारी नहीं दे रहे हैं। यानी कि मोहम्मद परिवार ने तो अपना बेटा खो दिया और उसके बाद प्रशासन जो है वो कुछ भी बोलने से चुप है, कुछ भी बोल नहीं रहा और चुप्पी साधे हुए है। हालांकि जब ग्रामीणों ने जाम भी लगवाया तब क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा गया, क्या कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया? मैं प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ आश्वासन इतना दिया गया कि आला अधिकारी इसकी उच्च जांच करेंगे। बिल्कुल मोहम्मद, क्या उसके बाद प्रशासन की तरफ से कहा तो गया लेकिन क्या कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं? मैम अभी तक इस तरीके से संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और इसकी जानकारी प्रशासन देने से कतरा रहा है। चलिए मोहम्मद जैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जालौन का ये पूरा मामला है जहां पर करंट की चपेट में आने से लाइट मैन की मौत हो गई है। हालांकि परिजनों का रो रो का बुरा हाल है, गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर जाम भी लगवा दिया। पुलिस बल मौके पर भारी संख्या में मौजूद रही, जाम को खुलवा दिया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले में प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे हुए बैठा है, कुछ भी बोलने से भाग रहा है। और ऐसे में ये तो कह दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।